इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्टेज बॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों कार्टेज बॉक्स आज के तारीख में ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में चाहे कोई भी कंपनी हो, वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स हो, उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, या बड़े से बड़ा कोई भी हैवी प्रोडक्ट्स हो, जैसे फ्रिज है, टीवी है, ऐसी चीज़ें हो, या छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो, हर कंपनी अपने पैकेजिंग में जब वो ट्रांसपोर्टेशन में अपना सामान उतारती है, एक शहर से जब दूसरे शहर में उन्हें अपना सामान भेजना होता है, तो उसमें उन्हें कार्टेज बॉक्स की आवश्यकता होती ही होती है। तो दोस्तों इस तरह आज ट्रांसपोर्टेशन में कार्टेज बॉक्स ये कंपल्सरी एक चीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि कार्टेज बॉक्स बनाने के लिए कौन से मशीन्स की आवश्यकता होती है, इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, और इसमें कितना कॉस्टिंग लगता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसमें एरिया की, तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको काफी बड़े एरिया की जरूरत होगी। लगभग लगभग आपको 5000 स्क्वायर फीट के एरिया की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको वहां पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इसमें जो मशीन्स है वो हेवी मशीन्स होती है, उसके लिए डबल फेज मशीन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप इसे इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर आपके पास जगह है तो वहां पे आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके मशीन्स की, तो इसमें आपको यहाँ पर 6 से 7 मशीन्स लगती है। पहली मशीन जो लगती है वो लगती है सिंगल फेज पेपर कार्टेज मशीन। उसके बाद आपको लगेगी बोर्ड कटर मशीन। उसके बाद आपको लगेगी शीट पेस्टिंग मशीन। उसके बाद शीट प्रेसिंग मशीन। उसके बाद है बार रोटरी एंड क्रेसिंग मशीन। उसके बाद है स्लॉटेड मशीन। उसके बाद आपको लगेगी स्टिचिंग मशीन। दोस्तों अगर बात की जाए इसके रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको लगेगा क्राफ्ट पेपर। इसके अलावा आपको लगेगा येलो स्ट्रॉ बोर्ड। उसके बाद आपको लगेगा ग्लू, और उसके बाद आपको लगेगा स्टिचेस वायर्स। तो दोस्तों इस प्रकार के जो रॉ मटेरियल है, ये आपको indiamart.com पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कॉस्टिंग और प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल है और मशीन्स है, इन सब का जो कॉस्टिंग है ऑल ओवर लग जाएगा 30 लाख के आसपास। दोस्तों इसके अलावा आपको बिजनेस को रन करने के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड लगता है, तो वो भी एक कॉस्टिंग। अगर आप एक 10 लाख तक मिला ले, तो यहाँ पर आपका ये जो बिजनेस है ये 40 लाख तक के आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें मैन पावर की, तो आपको यहाँ पर 5 से 6 स्किल वर्कर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स की संख्या भी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो समझने वाले, जो मशीन्स चला पाएँ ऐसे वर्कर आपको रखने होंगे। इसके अलावा आपको इसके जो मार्केटिंग है, इसके हिसाब से भी कुछ सेल्समैन रखने होंगे जो B2B बिजनेस में जाकर के विजिट करें। तो यहाँ पर जो आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ B2B वाले लोग होते हैं, जैसे बड़े जो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ से लेकर तो जो छोटे से छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं वो तक के लोग आपके यहाँ पर कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा B2B वाले लोगों के पास ही यहाँ पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये थी एक बेसिक जानकारी इस बिजनेस के बारे में। हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।